हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले पोकेमोन सोल्ड एंड सील्ड के एपिसोड नंबर 20 का रिव्यू, और एपिसोड का नाम है गुड बाय रेबोट। ये एपिसोड जो गुड बाय बी का जो वो टाइप ही एपिसोड है, तो देखते हैं। तो हमारी शुरुआत होती है एक ट्रेन से जो जा रही है व्हील चिकन तक। उसमें दो लोग हैं जो हमारे ऑलवेज एस और गो है। एक एस एक गाचो को ड्रॉइंग बनाता है जो बहुत अजीब है। देखिए गो देखते गो बहुत हंस लगता है, कितनी खराब पेंटिंग है, ऐसे पेंटिंग तो मत बनाना है। तो फिर गोबर ड्रॉइंग बनाता है, ऐसे भी खराब ड्रॉइंग बनाता है, या तो पकवान पहचान में भी नहीं आ रहा कौन सा पकवान ही है, और ऐसे बहुत हंसने लगता है, बहुत ख़राब ही है अभी। तो मैंने बोलते मेरे पेंटिंग अच्छी, मेरे पेंटिंग अच्छी, ऐसे झगड़ने लगते दोनों। फिर तो बोलते तुम तय करो कौन सी किसकी पेंटिंग अच्छी है, तो दोनों दिखाता है। तो फिर ऐसे बोलता है ये जो ऐसी पेंटिंग है वो गारचोप की है, और दूसरी पहचान भी नहीं आती किसकी पेंटिंग है, और रायपुर को पहचान नहीं आती, इसलिए रायपुर भी मुँह फिरा देता है। फिर वो पहुँच जाते हैं होनजन के अंदर, और सब देखते हैं नज़ारे सब। फिर लिखा था होनजन पेटर पेटर सिटी कोई है रैबिट की। फिर बोलते हैं मुझे हमें एक पोकेमोन सेंटर के होनजन के पोकेमोन सेंटर में जाना चाहिए, हमें रिसर्च करना चाहिए जो हमें पोकेमोन साकुरिन कहा था, कि बहुत सारे बटरफ्लाई है तो इधर कुछ और इवोल्यूशन होते हैं और कहाँ पर जाते हैं। तो ये सब और सब आराम करते सब दिखाते हैं, पिक्चर रिलेशन कर रहे हो सब, बातें करते जाते हैं। और फिर वो बताते इनको मिशन क्या है, कि जैसे मैं बहुत बोला मैंने कि बहुत सारी बटरफ्लाई वो होते हैं, सिलकोन से बटरफ्लाई वो होती है, और उस उड़ बहुत ज़्यादा उड़ के बहुत खुश होते हैं सब। तो सब जाते हैं फ्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं, कोई अच्छा पकड़ मिल जाए। तो जाते हैं तो उसे एक वम्पल लिखता है, और सब बोलते हैं अटैक करो तुम, तो सुनता नहीं, डर निकल जाता है उसे, पहला तीन वम्पल और कितने पकड़े पागल। फिर पम्पल भी चले जाते बाजू में, उसको पकड़ जाते हैं, फेल हो जाता है और दुख हो जाता है, फिर बात नहीं मानी। फिर पकवान सेंटर में जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें क्या मेरी क्या मदद चाहिए, है प्यारी शुक्रिया। और बोलते हैं हर साल कुछ अलग होता है, जो फिर जान कर रहते हैं ना वो टाइम पे क्या होता है, तो बोलते हैं हर साल थोड़ा अलग होता है, रेबड़े मुँह पर दिख रहे सही। और बोलते हैं हमें उस टाइम साउथ जान चाहिए, और साथ में फिर बोलते तुमने क्या देखा, वह बहुत सारे बोलते हैं मैंने एक ऐसे जैसा दिखने वाला तुम्हारे जैसे दिखने वाला एक बटरफ्लाई देखा। तो ऐसे जैसे लगते हैं उस टाइम पे, और वो मुंह बना लेता है। फिर वो फिरते हर जगह, तो हमें सीट बैठ में जाना चाहिए। और फिर वो घूमते घूमते तो उसे एक बटरफ्लाई दिखती, तो बटरफ्लाई के इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं लोग, बटरफ्लाई कौन है कैसा है। तो बोलते हैं बग और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन से तो इन्फॉर्मेशन देता है वो सब। फिर वो बोलते वो फूल का रस सोचता है बोला उसने, मतलब बटरफ्लाई तो लोग वो करेगा ना। फिर वो चेक करने बोलते हैं, फिर अचानक उन्हें एक भेबोस जिग जैगून दिखता है, वो मदद करने जाते तो एक उसके पीछे मतलब चोर है जो ऐस का नाश चुराने थे। तो जो हमारे रेबुट थे जो दोनों देखते जो पीछे से आता नाश चुराने आते, पर रेबुट उसे भगा देता है अपना डरा के, और जैसे उसको पकड़ लेता है तो वह भाग जाता है फुल स्पीड के अंदर। और पीछे उनका मास्टर मतलब जो बॉस है ना लूडे कोलो, वो पीछे रहता है बजाने हंसते, और चले जाते हैं उसे देखते। फिर बोलते तुम्हें क्या हुआ रेबूट, तो कुछ रिप्लाई नहीं करते रेबूट, जैसे चले जाते हैं हंसे। फिर बोलते कट करो कुछ से बात नहीं चलते लोग फालतू बातें। और फिर वहाँ पे आराम से तुम्हारा यहाँ पे चार बेड है, फिर ऐसे लोग खुश रहते हैं, तुम इधर जाना चाहिए। और तो ऊपर से इधर जगह चालू कर देते अपन आखिर सो जाते हैं, और उसे एक वम्पल लिखता है, फिर वम्पल पास जाता है तो रखे भाग जाते हैं से। और फिर बोल थोड़ी जान के निकालते हुए वो इधर से इधर साउथ जाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि कैसे होता है, हम कल जाएंगे। फिर रात हो जाती है और फिर सब सोए हुए थे, तो जो सिर्फ एक जन सोया इधर जो हमारा रेबूट है, उठ के कहाँ पर जाता है रेबूट, और किसी को बताता भी नहीं कहाँ जा रहे हो और किसकी प्रैक्टिस करने जा रहे थे, तुम्हें आखिर पता चल जाएंगे। फिर वो सुबह रहते हैं, वो बोला तुम कल कहाँ गए थे, तो कुछ जवाब नहीं देते और आके सो जाता है वो। और तो गोभी बहुत अजीब लगते हो कहाँ गया होगा, फिर वो खाना खाते जब सब आनंद से खाना खाते, पर गो बहुत चिंता करते हैं बोले कहाँ गया होगा, ये सब चिंता करते हैं। ऐसे पता क्या हो तुम्हें खाना नहीं खा रहे क्या, पर जब कोई रिप्लाई नहीं करता है। फिर वो रेबूट तब देखते हैं वो, पर रेबूट के अंदर कोई बिहेवियर चेंज नहीं आता है। फिर वो जाते हैं उनको रिसर्च करने जाते हैं जंगल के अंदर, और उन्हें बहुत सारे कैस्कून दिखते हैं,
अपना वो इवॉल्व नहीं सिर्फ कैसे वो बोलते जब इवॉल्व साइज बढ़ जाएंगे एकदम जंप होकर एकदम उड़ने लगेंगे सब, तो पिकाचू भी दिखाता है कैसे उड़ेंगे वो सब इसी में बहुत कॉमेडी था। बोलते तुम सच्ची में अच्छे हो तुम। फिर एक फॉलो के जाते तो आप पे बहुत सारे सेब ले लेते वो लोग, और मतलब जाते तो रैबिट बोलते तुम सेब ले लो सेब ले लो, तो बात मान लेते हैं सेब ले लेते हैं और एसकू एस बिग सेब ले लेते हैं, और फिर वो एक खाने से मंगते गो से देता नहीं है जाते हैं रैबिट। और बोल जैसे तुम वो तुम बातें मान रहे हो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो पूछता है पर ये भी कोई रिप्लाई नहीं करते वो, और तुम बहुत बुरा से बोलते हैं तुम्हें पसंद नहीं करते बोलते हो, तो बोलते हो तुम्हें तुम्हें इतने बुलाना चाहिए तुम्हें समझना चाहिए इससे अजय तुम बात मानेंगे ऐसे, वो जो आंटी थी वो बोलती है ऐसा। फिर बोलते हाँ मैं ये बात भी गौर करूँगा। फिर से रात हो जाती है वो रैबिट उठ के कहाँ पर जाता है जिस पर गोभी जागा हुआ रहता है, मतलब देखते हो कहाँ जा रहा है रैबिट इतने दिन से जब से यहाँ पे आए है, तभी तो उठता है और उसके पीछे करने लगते हैं रैबिट का, फिर पीछे 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 करते और फिर जाते जाते अचानक रैबिट गायब हो जाता है। बोलते तुम कहाँ हो यहाँ पे थे था ये अचानक गायब हो गया। फिर वो लोग फिर से जाते हैं सब रिसर्च करने वास्ते और सब देखते जो कैश कून थे वहाँ पे सब चिपके हुए थे, और जितने कैश कून है अचानक से इवॉल्व हो जाते हैं, और ये सीन बहुत सीन ब्यूटीफुल था तुम देखना तुम्हें मजा आएगा डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना फटाफट। और जितने भी सब इवॉल्व है जितने भी तो बहुत सारे कैश कून सब इवॉल्व हो जाते हैं और सब उड़ने लगते हैं, कितना कितना ब्यूटीफुल सीन तुम इमेज ही देख लो। फिर सब उल्टे हाँ इन लोगों ने सुझा दी जो जो थी ना थियरी उसको सुझा दी लोगों ने, फिर उन्हें बहुत मजा आता है। हर फिर हर 4 सीजन के बाद होता है ये, मतलब हर एक साल में सब इवॉल्व होते हैं काफ़ी जगह आके, पर ज़रूरी नहीं पर बहुत सारे पहले हो जाते हैं। हर एक कुछ पाउडर भी छोड़ कर रहे हैं कोई ब्यूटीफुल पाउडर हर कुछ समथिंग कुछ अच्छा है ऐसा तुम देख ही लो खतरनाक है। फिर वो पोस्ट फिर से पकवान सेंटर में आते हैं और वो लोग खाना खाते हैं, तो हमें सिटी में को रिकॉर्ड करना चाहिए थे पल को, फिर हमें कल वापस चले जाएंगे। फिर गोरखपुर बोलते कुछ बात है एक्चुअली, तो ऐसे बोलते तुम जागे रहना। फिर वो जब रैबो जाता है बोलते तुम्हें जहाँ पीछे जाना चाहिए सुबह उस पर देखना चाहिए कहाँ जा रहा है, रोज़ सुबह आ जाता है वापस, मतलब इस बार एस बिल के साथ एस पी का ही दोनों है मतलब कहाँ जा रहा है। फिर ढूंढते थे लोग फिर से गायब हो जाते हैं, तो उधर कुछ आवाज आती तो वहाँ पर जाके देखता है क्या है उधर। फिर पहुँचते तो वहाँ पे जो लूडी को लो जिन जगह ने वो सब डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो जो हमारे रैपर खतरा डांस कर रहा हो तो एकदम फाउल डांस कर रहा है, तो वो बहुत अच्छे डांस कर रहे हैं सब, और जितने सब दोस्त हैं ना वो सब डांस करने लगते हैं और मस्त डांस कर रहा है। तुम देखना एपिसोड में बहुत मजा आएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो फिर बोलते हैं उसे डांस करना सिखा रहा है, और वो पल को याद करता है जब उसे रैबिट मिला था ना पहली बार उसको बनी जिब्बे से थे कि 3 पार्टनर इसकी मदद करता था वो उन्हें खाना खिलाता था, तो ये इस बार भी ऐसा है कुछ है जो तीनों है ना उनको भी एप्पल ही खिलाता है ये, और इसको रैबिट भी बहुत खुश है खाना खाना खिलाते हुए। हाँ बोलते अच्छा लीडर ये ऐसे फिर से टीम का लीडर बन चुका है ये। और फिर वहाँ पे जो है बहुत सारे लाउडेड आ जाते हैं मतलब ये भी डांस कॉम्पिटिशन आ चुके हैं, इनसे देखते कौन जीत पाता है डांस कॉम्पिटिशन लाउडेड के हमारा रैबिट। फिर वो डांस खेलने लगते तो फिर बार बार नहीं डांस करते तो पीछे आ जाते और ये लोग आगे जाते हैं लोग इसी डांस से डर जाते हैं, मतलब तुम देख रहा तो सोच तो डांस डांस अच्छा कर रहे थे उनसे। फिर उसे चालू कर डांस करने तो उसे कर फिर लोग भी डांस की कोशिश करते पर इतना खास नहीं कर पाते, तो बोलते हैं हम इससे युद्धम में जाना चाहिए लोगों को, तो जब हमारा इस गोहे ना टाइप भी रखते हैं और तुम एक युद्धम में चलो हमारा एस भी तबला बन जाता है और हाथ देते हैं तो साथ में डांस करते हैं। और फिर हमारे जो आते हैं ना रेबोट वो सबकी फाके रख देता है सबकी, तुम देखना एजेंट में डर जाते हैं। फिर बोलते हैं अच्छा डांस कर रहे हैं, और फिर डांस देखते हुए जितने जंगली पकवान थे ना सब आते हैं लौट भी आते हैं और सब खट्टा डांस कर रहे तुम देखना मजा आया तुम लोगों को। और फिर फाइनली वो डांस को जीत जाते हैं, और फिर बोलते गो बहुत स्लो है कहाँ गया होगा, फिर वो बोलते गुड बाय रेबोट, फिर बोलते कहाँ रह गए थे, तो बोलते मैंने रेबोट छोड़ के आया, तो बोलते तुम्हारे फाइनल डिसीजन है, तो बोलते हाँ मेरा फाइनल डिसीजन है।
बुढ़ापे खुश रहेंगे। तो पिताजी सब दुख दुखी होते समय तक खुश होते, परंतु वापस मिल जाए लेके आओ उसको अच्छे रहें तुम्हें हंसते। तो फिर सोचते, फिर उसके बाद सोचते रोबोट मैं छोड़ के गलती कर रहा है, और जब इवॉल्व हुआ सब पुरानी बातें याद करता है। फिर रोबोट ढूंढते मतलब उसकी अपनी गलती ऐसे हो चुका है अभी, तो ढूंढता है। फिर अचानक पीछे से रोबोट आ जाता है, उसे एक एप्पल देता है खाने के वास्ते, और एपिसोड ये पूरा जाता है। और फिर फेस बदल जाते हैं मतलब मासी पीछे फेस है। तो ये एपिसोड जो हमारा एपिसोड था ना उसी कॉपी है, गुड बाय पिकाचू ऐसे एपिसोड था, ये अच्छा था। हर 10 एपिसोड है, और फिर आगे स्टोरी कंटिन्यू होती रहेगी। हर ये अगले एपिसोड अगले लेवल को जाएगा कि अगला सोमवार को जाएगा। तो जितने लाइक करते हैं जितने वीडियो आते हैं। गुड बाय।